होशियारपुर में शनिवार को नेता प्रतिपक्ष हरपाल सिंह चीमा ने अनाज मंडी का दौरा किया, जहां उन्होंने कहा कि मंडियों में किसानों का शोषण हो रहा है क्योंकि सरकार ने मक्का का रेट 1870 रुपए तय किया था, लेकिन किसानों को मंडी में करीब 1200 रुपए मिल रहे हैं। केंद्र सरकार का कृषि अध्यादेश किसानों को नुकसान पहुंचा रहा है। तो नेता प्रतिपक्ष हरपाल सिंह चीमा ने होशियारपुर में मंडी का दौरा किया और कृषि अध्यादेश के खिलाफ कहा कि ये बिल जो है साफ तौर पर किसानों के लिए नुकसानदायक है और अभी से इसका असर देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि कृषि अध्यादेश को लेकर पंजाब सरकार के साथ साथ विपक्ष जो है लामबंद है और हर एक पार्टी अपने आप को किसान हितैषी बता रहा है। इसी कड़ी में नेता प्रतिपक्ष ने होशियारपुर में मंडी का दौरा किया और किसानों की समस्या को सुना। जिहड़े गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 3 ऑर्डिनेंस लियांदे सीगे, जिहड़ा द फार्मर प्रोड्यूस एंड ट्रेड एंड कमर्स बिल पहला ये सीगा, तो दूजा सी द फार्मर एग्रीमेंट ऑफ प्राइस इंश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल एक्ट 2020, तीजा सीगा जरूरी वस्तां सोध बिल। 3 बिल जिहड़े हुण आए ने, जिहड़े पहला ऑर्डिनेंस सीगे, वह उन्होंने करके दसण आया कि पंजाब के लोगों तुहाडे जरिए कि जिहड़ी एक पासे सुखबीर सिंह बादल कहिंदा हुंदा सीगा, हुण तां चलो आपदे स्टैंड ते बदल गया। पहला कहिंदा सीगा जे कि मिनीमम सपोर्ट प्राइस खत्म नहीं होगा, मिनीमम सपोर्ट प्राइस इसे तरह चलता रहेगा। आ इस मंडी दे विच भी मिनीमम सपोर्ट प्राइस की चलता गा कि जिहड़ी आ मक्की आ वह 1870 रुपए में बिक रही है। ये तो तुसी सारे जानते हो कि मक्की 1870 रुपए रेट है उसका, जबकि बिक रही है कित 1200 बिक रही है, कित 1100 बिक रही है, कित 1250 बिक रही है। सो इस गल करके आया कि जिहड़े 3 ऑर्डिनेंस ने गे, जिहड़े 3 ऑर्डिनेंस 6 महीने पहला आए थे, उस समय आम आदमी पार्टी ने पूरे पंजाब दे विच डट के विरोध किया। साढ़े सारे MLA साहबान, साढ़े सारे लीडर साहबान, साढ़े सारे जिला प्रधान वलंटियर साहबान ने उस समय धरने दिए थे, उस समय प्रोटेस्ट किया।